हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी अड्डा में। मेरा नाम अजित कुमार दास है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में देखिएगा सीजीपीएससी राज्यसभा परीक्षा 2021 का जो आज आपका पेपर हुआ है उस पर जो हम चर्चा करने वाले। दरअसल देखिएगा, पेपर वन होने के पश्चात बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर थोड़ा सा एनालिसिस बताइए पेपर वन के आधार पर। तो मैंने सबको कहा था कि अभी शांति से रहिए, पेपर टू देखे आइए, उसके बाद आराम से इस पर बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे छात्र पेपर वन के बारे में बात करके इतना डिमोटिवेट हो गया कि देखेगा आज पेपर टू देने ही नहीं गए। तो ये बहुत गलत बात है। पेपर कितना भी टफ है, कोई कुछ भी बोले, आपको अपना पेपर देते रहना चाहिए। देखिएगा, उससे आपका एक तो एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, साथ साथ जो है कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है। पहले पेपर का लेवल कुछ भी हो, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंडली बात करूं तो देखिएगा, पेपर का लेवल वाकई में बहुत ज्यादा हाई था। ये मैं कह सकता हूं कि सीजीपीएससी राज्यसभा परीक्षा में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ये अब तक का सबसे ज्यादा टफ पेपर था। और ईमानदारी से कहूं तो वाकई में इसका लेवल यूपीएससी के बराबर का ही था, क्योंकि यूपीएससी में देखिएगा लगभग इसी लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं सीजीपीएससी अपना स्टैंडर्ड डे बाय डे जो है बढ़ाते जा रहे हैं। उम्मीद थी कि इस बार पेपर एवरेज आएगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा टफ पेपर आया है, किसी के एक्सपेक्टेशन से बाहर का पेपर है। तो इसके लिए देखिएगा दोस्तों, अब इसके लिए हम लोग रोते बैठ तो नहीं सकते। अब एक ही चार है कि हम लोग अपने तैयारी का लेवल बढ़ाना पड़ेगा लगातार। देखिएगा सीजीपीएससी के दूसरे एग्जाम जिसका लेवल बहुत ज्यादा हाई हुआ था, इसके पहले एसीएफ हुआ था, वो भी बहुत टफ गया और ये पेपर तो रिकॉर्ड तोड़ टफ हो गया ये पेपर। तो देखिएगा, इससे क्लियर कट ये भी संदेश मिलता है कि इस बार का जो है कट ऑफ यानी कि प्रीलिम्स पेपर का देखिएगा कम रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे कट ऑफ जो है पेपर वन के आधार पर जो है डिसाइड होती है। तो देखिएगा, कट ऑफ 100% श्योर हूं मैं कि इस बार लो रहने वाला है। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को जो है निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि देखिएगा अब इससे एक चीज क्लियर होती है कि हम लोग को अपने पढ़ाई के लेवल को बढ़ाना है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, स्टैंडर्ड बुक से तैयारी करनी है। और इधर उधर के जो बुक्स है, देखिएगा मैं किसी पब्लिकेशन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप स्टैंडर्ड, हमेशा बोलता हूं मैं स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करिए, क्योंकि मैं जब भी आपको सेशन के लिए भी देता हूं तो स्टैंडर्ड बुक्स बताता हूं मैं, ऐसे कोई इधर उधर की बुक्स आपको नहीं बताता। तो थोड़े स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने हैं, डेप्थ में जाके पढ़ने हैं, तब जाके जो है ऐसे पेपर जो है सॉल्व हो पाते। इवन मैं ये भी कह सकता हूं कि आज का पेपर जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है मॉडल आंसर भी निकालने में डर रहे होंगे, क्योंकि देखिएगा इस पेपर में मॉडल आंसर निकाले भी तो क्या निकाले ऐसा हो गया। क्योंकि देखिएगा अजीब टाइप का पेपर आया है, बहुत ही टफ पेपर, इसको समझने में ही एक आध दो दिन लग जाएंगे, तो मॉडल उत्तर निकालना जो है बहुत मुश्किल है। हालांकि देखिएगा पेपर उनका मॉडल उत्तर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं सीधा सीधा जो है इसमें देखिएगा सेट वाइज मैंने सारे आंसर्स पुट कर दिए हैं, और उसको जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रहा हूं, जाके आप उस पर अपने आंसर जो है क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं और जो भी आपके मार्किंग वगैरह आ रहे हैं उसे चेक कर सकते हैं। इसके देखिएगा दोस्तों, पेपर टू का जो मॉडल आंसर है उसे भी मैं थोड़ा समय बाद जो है शेयर कर दूंगा आप लोगों से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। इसके देखिएगा आज का जो पेपर हुआ है पेपर वन, उसका भी पीडीएफ मैं शेयर कर रहा हूं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, उसके लिंक आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां जाके आप सारे जो है मॉडल उत्तर और साथ जो है प्रश्न पत्र आज का वहां पर डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिएगा दोस्तों, इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो को पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।